तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, सुबह सुबह हम और भैया आए हैं मार्केट, क्योंकि बाल दाढ़ी पूरा पड़ गया था, वही कटवाना है। देख सकते हैं, पूरा भी कटवा के निकले हैं। सर कैसा लग रहे हैं, जरा बताइएगा कमेंट करके। सो गाइस, फाइनली अभी जो है ये है गिरडी मेन रोड डुमचास से, जो पास होता है और गिरडी तक जाता है गाइस। तो यहाँ पर जो हम लोग का बाइक खड़ा है और अंदर सैलून है, तो वहीं पे हम लोग जो है भैया भी कटवा रहा है, हम तो कटवा लिए हैं फाइनली। आप देख सकते हैं थोड़ा पहले तो चोर से लग रहे थे, अभी ठीक लग रहा है बिल्कुल का। कुछ पेमेंट हो रहा है, बाल भी कट गया, क्या होगा, ये नहीं छिलना है। तो गाइस, घर के लिए गेट देखने के लिए आए हैं, डिज़ाइन कैसा है ये मुझे तो पसंद आ गया है, लेकिन अब देखना होगा। सो गाइस, फाइनली जो है हम लोग मार्केट से घर आ चुके हैं, और फिलहाल यहाँ पे जो है मेरा नया घर में काम चल रहा है सेटरिंग का। देख सकते सेटरिंग ठुका रहा है, सगरे देख सकते सब जगह सेटरिंग ठुका रहा है, यानी कि पटरा अभी ऊपर से फिनिशिंग पटरा बिठाया जाएगा, उसके बाद चादरा भी छाया जाएगा, ठीक है, ऊपर ढल गया। तो गाइस, यहाँ पे इतना सारा खुट्टा उट्टा है, इधर बंद चुका, ये पूरा काम बाकी है लगभग यार। इसे चारों रूम हो चुका है कंप्लीट, अब खाली ऊपर से जो है जाली बनेगा पटरा वाला, इसे पटरा वाला। तो गाइस चलते हैं ऊपर, ये देखते थे इधर कोठा ढला गया है, ये तो गली है बाहर जाने का। ये आ गए हम बाहर। तो गाइस फाइनली अब चलते हैं ऊपर, सीन है। कहाँ सुरेंद्र जी, कहाँ गए? लाइन है कि घर में कुछ मदे तोर गला ने तोर अंदर गला तो हम शिकायत कर दो। तो ये रहा पूरा सेटिंग हो चुका है, बाकी है यार बहुत। क्या करना है, ड्रिल मारना है क्या, कहाँ तो तार वहां से खींच लिए, लाइन दिलवाते हैं। आप चढ़िए पास दुर्गा तेरे दिख रहा है, बोला सुगस। फाइनली घर का कार्य प्रगति पर है, और फिलहाल अभी मिस्त्री जो है यहाँ पे लकड़ी काट रहे हैं, कहे कि कोठा पर से छत का सेटरिंग के लिए खुट्टा चाहिए होगा ना, तो इसलिए इनको खुट्टा को काटना पड़ रहा है छोटे पीस में। तो गाइस, जब तक ये खुट्टा काटते हैं तब तक हम ऊपर जाते हैं, देखते हैं ऊपर कहाँ तक काम हुआ है और कितना काम हुआ है। तो फाइनली चलते हैं ऊपर, ऊपर नहीं इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो गाइस यहाँ पे ठुका रहा है बटाम। सो गाइस, ऊपर में इतना काम हो चुका है, और भी कुछ दिन लगेगा सेटरिंग बांधने में। तो गाइस हम किनारे बहुत खड़ा है, पीछे कोई चारा नहीं बचने का। वो रहा सामने बड़ा सा तालाब, यह कोठा, इन्हें सामान रखा जाता है।